नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे बड़ी खबर क्राइम जोन से। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश कुमार की हत्या से हर कोई स्तब्ध है। विपक्ष ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि डीजीपी साहब कब तक क्राइम पर लगाम लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। डीजीपी एसके सिंघल को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर निशाना साधा है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी रुपेश कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे। 20 जनवरी से खुल सकते हैं मिडिल स्कूल और राज्यपाल, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने दी मकर संक्रांति की बधाई। अब खबरें विस्तार से। डीजीपी साहब, आखिर कब तक लगेगी क्राइम पर लगाम। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश कुमार की सरेशाम हत्या के बाद आम लोग से लेकर खास तक यही सवाल कर रहे हैं। सियासी गलियारे में भी यही सवाल उठ रहा है। विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष भी इस हत्या से आहत है। एनडीए में शामिल सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के नेताओं ने भी साफ साफ कहा है, पुलिस जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे अथवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको बता दें कि सचिवालय से महज 500 मीटर की दूरी पर पुनाई चक के पास जिस तरह अपराधियों ने रुपेश कुमार सिंह के सीने में 6 गोलियां उतार दी, उसने हर किसी को दहशत में डाल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्वयं डीजीपी एसके सिंघल से इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या से संबंधित अपडेट स्थिति की जानकारी ली। डीजीपी ने बताया इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस हत्याकांड के अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और एसपीडी ट्रायल कराकर दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, राज्य में किसी तरह के आपराधिक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर सीधे नीतीश कुमार व बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब पूरी तरह से थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उनसे गृह विभाग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर गोली मारी जा रही है। तेजस्वी ने कहा, मेरा भी रुपेश सिंह से अच्छा संबंध रहा है, यदि सीएम से गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो किसी को दे दे। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब रुपेश सिंह का परिवार क्या छठ मना पाएगा। चुनाव के दौरान कहते थे कि उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, जंगल राज का युवराज कहने वाले पीएम बताएंगे कि जंगल राज का महाराज कौन है। यह भी बताएं कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। दूसरी ओर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बिहार सरकार अब मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गई है। 20 जनवरी से क्लास 6 से 8 तक के स्कूल खुल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने लगभग तैयारियां कर ली है। सूत्रों की माने तो केवल आदेश निकालना बाकी है। इसके बाद क्लास 1 से क्लास 5 तक बच्चों की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ये कक्षाएं फरवरी से खुलेंगी। आपको बता दें कि 4 जनवरी से पहले चरण में क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं। तब कहा गया था कि 15 दिनों के बाद बाकी कक्षाएं खुलेंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी से मिडिल स्कूल खोले जा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाले 2 सदस्यीय खंडपीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर आज सुनवाई की। इसी दौरान यह आदेश दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में इसका पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हो गई है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को लेकर उनके सहकर्मी काफी दुखी हैं। बुधवार को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मातम पसरा रहा।
अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के चेहरे मुरझाए हुए थे। दोपहर में एयरपोर्ट कैंपस में यूनियन के लोगों ने शोक सभा का आयोजन भी किया था और अपने दिवंगत साथी रुपेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इंडियन ऑयल श्रमिक संघ ने प्रदर्शन किया और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन लोगों ने एयरपोर्ट डायरेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में बुधवार को रोहतास के कोचस में स्थानीय किसानों ने संकल्प दिवस मनाया। उन्होंने महात्मा गांधी चौक पर तीनों बिल की प्रतियां जलाई। इसका समर्थन जनतांत्रिक विकास पार्टी ने किया। मौके पर जमीपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का कृषि बिल केवल किसान नहीं भारत के आवाम का भी विरोधी है। कोचस में जिस तरह से किसानों ने तीनों कृषि बिलों की प्रतियों को जलाया है, यह बिहार में किसानों की ओर से उन बिलों के खिलाफ पहला ठोस कदम है। यह बिहार के किसानों के अंदर जोश भरने के लिए काफी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। बिहार के नालंदा में हुए गैंगरेप मामले में आज सजा सुनाई गई। कोर्ट ने राजगीर में छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में बुधवार को दोषी करार सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 5,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। इतना ही नहीं, दोषी राहुल व सोनू के खिलाफ 3-3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। एपीपी सुनील कुमार ने बताया कि बिहार शरीफ कोर्ट के एडीजे सप्तम ने यह फैसला सुनाया है। सजा पाने वाले में राजगीर निवासी मिथुन राजवंशी, आशीष राजवंशी, सोनू कुमार, राम चौधरी, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी और रंजन राजवंशी का नाम शामिल है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से चूड़ा दही का भोज मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित करते रहे हैं, लेकिन इस बार वे दही चूड़ा के भोज का आयोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए इस बाबत पत्र भी जारी किया है। उन्होंने भोज स्थगित करने के पीछे कोरोना वायरस को मुख्य वजह बताया है। गौरतलब है कि वशिष्ठ नारायण सिंह 1999 से ही चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं। और अंत में लोहरी व मकर संक्रांति। आज लोहरी हो गई है और कल मकर संक्रांति है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति और लोहरी पर्व पर बिहार और देश के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है, मकर संक्रांति और लोहरी का पर्व लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। मकर संक्रांति और लोहरी के पर्वों का सांस्कृतिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, लोग इन पर्वों को हर्षोल्लास, पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द के साथ मनाएंगे। इससे समाज में सामाजिक समरसता बढ़ेगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी लोहरी व मकर संक्रांति की लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।